इससे पहले की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था ओरल डोसेज फॉर्म्स को. अब क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी जो डोसेज फॉर्म्स थे उनको. अब देखते हैं टॉपिकल डोसेज फॉर्म्स. टॉपिकल डोसेज फॉर्म्स में पहला है ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, रेक्टम और नेजल मिकोशा. ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं. ये ग्रीसी प्रिपरेशन है जो स्किन पे अप्लाई करने के लिए, रेक्टम या नेजल म्यूकोसा पे अप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. द बेस इज यूजुअली एनहाइड्रस और इमिसिबल विथ स्किन सिक्रीशन. ऑइंटमेंट मे बी यूज एज इमोलियंट और टू अप्लाई सस्पेंडेड और डिजॉल्व मेडिकामेंट्स टू द स्किन. ऑइंटमेंट स्किन में इमोलियंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, या स्किन में अगर कोई मेडिकामेंट को डिजॉल्व करना है तो ऑइंटमेंट में वो मेडिकामेंट, ऑइंटमेंट के थ्रू वो मेडिकामेंट स्किन में एब्जॉर्ब, स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, स्किन तक पहुंचाया जाता है. सेकेंड है क्रीम्स. क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. क्रीम सेमी सॉलिड इमल्शन है जो कि ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है. थर्ड है जेल्स. जेल्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम इन विच आर लिक्विड फेज इज कॉन्स्ट्रेन विथ इन अ 3D पॉलीमेरिक मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्रॉस लिंकिंग. जेल सेमी सॉलिड सिस्टम है जिसमें लिक्विड फेज जकड़ा हुआ होता है, कॉन्स्टेंट होता है, फंसा हुआ होता है 3D पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में, जिसमें हाई डिग्री ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्रॉस लिंकिंग होती है. दे आर यूज फॉर मेडिकेशन, लुब्रिकेशन. मेडिकेशन और लुब्रिकेशन के लिए जेल्स का यूज किया जाता है. पॉल्टीस, इट इज सॉफ्ट विस्कस पेस्टी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज. दे आर अप्लाइड टू स्किन वाइल दे आर हॉट. गर्म फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं स्किन पे. पॉल्टीस में रिटेन हीट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम बिकॉज दे आर इंटेंडेड टू सप्लाई वार्म्थ टू इन्फ्लेम्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल काउलिन पॉल्टीस, जो गर्म, जो बॉडी के इन्फ्लेम्ड हिस्से हैं, फूले हुए भाग होते हैं, उनको गर्म करने के लिए ये पॉल्टीस का यूज किया जाता है. फिफ्थ है पेस्टिस. पेस्टिस आर बेसिकली ऑइंटमेंट्स इनटू विच अ हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड हैज बीन एडेड. पेस्टिस में ऑइंटमेंट के मुकाबले ज्यादा बेसिस होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं. पेस्टिस आर लेस पेनिट्रेटिंग एंड लेस मेजरेटिंग एंड लेस हीटिंग देन ऑइंटमेंट. सिक्स्थ है डस्टिंग पाउडर. दीज आर फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज. डस्टिंग पाउडर एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं. बहुत ही फाइन पाउडर्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के. लिनिमेंट्स. सेवेंथ है लिनिमेंट्स. लिनिमेंट्स आर फ्लूड, सेमी फ्लूड और ऑकेजनली सेमी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन. दे मे बी एल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन. एट्थ है लोशन. लोशंस आर, दीज आर फ्लूड प्रिपरेशन एक्वियस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, आइदर डैब्ड ऑन द स्किन और अप्लाइड ऑन अ स्विचेबल ड्रेसिंग एंड कवर्ड विथ अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग टू रिड्यूस इवेपोरेशन. नाइन्थ है कोलोडियन. कोलोडियन इज अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर और एसीटोन, समटाइम्स विद द एडिशन ऑफ एल्कोहल. इट्स जेनेरिक नेम इज पाइरोजाइलिन सॉल्यूशन. याद रखिएगा पाइरोजाइलिन सॉल्यूशन कोलोडियन का जेनरिक नेम है. टेंथ है पेंट्स. पेंट्स आर लिक्विड्स फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. स्किन पेंट्स कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट दैट इवेपोरेट्स क्विकली टू लीव अ ड्राई रेजिनस फिल्म ऑफ मेडिकामेंट्स. थ्रोट पेंट्स आर मोर विस्कस टू अ हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरॉल, designed to prolong contact of the medicaments with the affected side. 11th is pressurized dispensers, aerosol sprays. Several different type of pharmaceutical products may be packaged pressurized dispenser known as aerosol. Uske baad hai rectal and vaginal dosage form. First is suppository. सपोजिटरी पे एक पूरा चैप्टर है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन बताया है, एनीमा का भी डेफिनेशन बताया है. इट इज़ अ स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मास यूजुअली कोन शेप्ड दैट इज
inserted either into the rectum suppository, and or in vaginal suppository, or vaginal suppository also known as pessaries, where it melts at body temperature. An enema is the procedure of introducing liquids into the rectum and colon via the anus. Especially ये बच्चों के में use किया जाता है. Parental dosage forms. An injection is an infusion method of putting liquid into the body, usually with hollow needle and a syringe which is pierced through the skin to a sufficient depth for the material to be forced into the body. There are several methods of injection: intravenous injection, intramuscular injection, or subcutaneous injection. It is a intravenous injection. It is a liquid administration directly into the bloodstream via vein. लिक्विड को जब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाया जाता है वेंस के थ्रू, तो वो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है. इट इज एडवांटेजेस व्हेन अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नीडेड. जब बहुत तुरंत हमें कोई प्रभाव चाहिए होता है दवाई का, तो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन की यूज करते हैं, क्योंकि वेंस के थ्रू ये पूरे शरीर में फैल जाता है. उसके बाद सेकेंड है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इट इज द इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ muscle. Many vaccines are administered intramuscularly. बहुत सारे वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली इंजर्ट किए जाते हैं बॉडी में. इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर ये बहुत तेजी से शरीर के मसल्स के अंदर इंजर्ट किए जाए. उसके बाद है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर गिवन बाय इंजेक्टिंग अ फ्लूइड इनटू द सबक्यूटीज लेयर ऑफ स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस. डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर है वो है सबक्यूटेनियस लेयर. एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर हाईली इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन्स. सच मेडिकेशंस आर इंसुलिन. इंसुलिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, याद रखिएगा इंसुलिन. इनहेल डोजेस फॉर्म्स. फर्स्ट है इनहेलर. इनहेलर्स आर सॉल्यूशन सस्पेंशन और इमल्शन ऑफ ड्रग्स इन अ मिक्सचर ऑफ इनर propellants held under the pressure in an aerosol dispenser. It is commonly used to treat asthma and other respiratory problems. Second hand nebulizer, atomizer. A nebulizer is a device used to administer medication to people in form of a liquid mixed to the airways. It is commonly used in asthma and treating other respiratory diseases. The respiratory diseases may usually इनहेलर का यूज़ करते हैं. सर्दी में भी करते हैं, जब नाक बंद हो जाता है तो विक्स इनहेलर यूज़ करते हैं, नेबुलाइजर के यूज़ करते हैं. उसके बाद है ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म्स. आई ड्रॉप्स. ऑप्थाल्मिक मतलब आई के थ्रू जब मेडिकेशन दिया जाता है तो ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म्स है. आई ड्रॉप्स आर सेलाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स यूज्ड एज अ व्हीकल टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द आई. सेलाइन व्हीकल्स होते हैं जिसमें मेडिकामेंट्स मिक्स किए जाते हैं और फिर आई के थ्रू वो शरीर में पहुंचाए जाते हैं. सेकंड है ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट एंड जेल. देयर आर स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द कंजक्टिवा और आईलिड मार्जिन. कुछ जेल्स आते हैं जो जब आईलिड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन जेल्स को यूज़ किया जाता है आईलिड इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए. ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है. एंड उसके बाद है ओटिक डोजेस फॉर्म, मतलब कि ईयर के थ्रू मेडिकामेंट्स को शरीर में पहुंचाना. ईयर ड्रॉप्स आर सॉल्यूशन सस्पेंशन और इमल्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टील्ड इनटू द ईयर विथ अ ड्रॉपर. इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट ईयर इन्फेक्शंस, स्पेशली इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर एंड ईयर कैनाल. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. और ये कम्प्लीट हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म. एंड हियर इज अ कोट. डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट. दिन मत गिनो, दिन को अर्थपूर्ण बनाओ. सो कीप वर्किंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स.